राधे राधे सर, एक बार राधे राधे बोलेंगे, राधे राधे राधे। आज यहाँ झारखंड के राजधानी के इस ऐतिहासिक मैदान में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित, यहां मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण और आज इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति के आठवें आयोजन में और समिति के मुख्य संरक्षक राजीव रंजन जी एवं अध्यक्ष विनोद गोप जी, विगत सात वर्षों से इस मैदान में इस कार्यक्रम को काफी उत्साहवर्धक और सफलतापूर्वक आज के इस शुभ अवसर को मनाने का कार्यक्रम को आयोजित करते हुए जारी रखा है। आज भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव को सिर्फ आप हम ही नहीं बल्कि पूरे देश और देश के बाहर भी मनाया जा रहा है। कहीं पर इस तरीके के बड़े समूह के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो कहीं पर लोग व्यक्तिगत रूप से घरों में भी मना रहे हैं। भारत की संस्कृति से निकली हुई ये व्यवस्था एक अटूट और सदियों तक चलने वाला, अनंत काल तक चलने वाला इस पर्व को आज मोरहाबादी मैदान में मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी को समझाने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण जी अपने आप में एक ऐसे युग का
प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और उन्होंने जिस तरीके से पूरे दुनिया में अपने छवि की छाप को छोड़ा है, निश्चित रूप से पूरा दुनिया, पूरा भारत, संस्कृति इस परंपरा पर गर्व कर रहा है। और निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी परंपरा को और भी मजबूती से गढ़ने का काम करेगी। आज थोड़ा मौसम बारिश का रहा, थोड़ी देर पहले तो ये लगा कि पता नहीं आज यहां जो दही हांडी फोड़ने का कार्यक्रम आयोजित है वो संपन्न होगा कि नहीं, प्रारंभ होगा कि नहीं। लेकिन आप सभी लोग देख रहे हैं और शायद भगवान कृष्ण भी इस उत्सव को देख रहे हैं कि आज उनके भक्त किस उत्साह के साथ कि बारिश भी उन्हें रुक नहीं पा रही। और आज मुझे पुनः आपके इस मंच में शामिल होने का मौका मिला, इसके लिए भी मैं समिति के सदस्य को बहुत बहुत आभार करता हूं। और आने वाले समय में भी भगवान कृष्ण जी के जन्मोत्सव का ये कार्यक्रम और मजबूती के साथ फलते फूलते हुए आगे बढ़ेगा और हम सब आज के इस कार्यक्रम के गवाह भी के रूप में बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहां उपस्थित सभी लोगों को और पूरे देशवासियों को, झारखंड वासियों को आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए राज्यवासियों के लिए, देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना मैं भगवान श्री कृष्ण जी से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।